और उनको हिल रहा है तो उनको कवर कर रहा है और नहीं तो जाने की कोशिश कर रहा था इस तरह से। इस वक्त मैं सिद्धन भावी गाँव में हूँ जो राष्ट्रीय महामार्ग 4 पर आता है, जो पुणे से बेंगलोर जाता है, ये बेंगलोर की तरफ आता है, बेलगाम से तकरीबन 12 किलोमीटर पर आता है, छोटा सा गांव है। आप नाम क्या सर आपका? इरन्ना। ये आपके पड़ोसी? हाँ। तो आपने मुझे फ़ोन किया था? हाँ। यहाँ पर कन्नड़ बोलते हैं, आपने हिंदी बोला इसलिए मुझे समझ में आया, इसलिए आपने मदद किया। वो घर ऐसा रहता है इस तरह से, थोड़ा सा वो दिखाते हैं, ये देखिए। हमारे दर्शक भी ऐसे घरों में रहते होंगे क्योंकि इस देश की आबादी 65% अभी भी पुराने घरों में रहती है, और ये सामान वगैरह रहता है, जानवर रहते हैं वहाँ पर, सांप कहीं पर भी आके बैठ सकते हैं, खासकर पुराना घर है तो। ये क्या है? सोयाबीन है? नहीं, रोटी, रोटी जोड़ा, जवार, जवार, जोड़ा, जवार है। ये मूंगफली वाला पड़ा है तो इली, कन्नड़ में जिसको इली बोलते, चूहे, चूहा ज्यादा आता है तो उनको खाने के लिए सांप पुराने घर में, किसान के घर में ज्यादा आते हैं, किसान के मित्र भी है लेकिन खतरा भी है क्योंकि वो हाथ पाँव पड़ा तो काट भी सकते हैं। इतना आसान तो नहीं है लेकिन लोग डरते हैं सांपों से, और कभी कभी सही वक्त में इलाज नहीं हो पाते तो प्रॉब्लम काफी आ जाती है। काफी बड़ा नाग है ये और काफी देर से इंतजार कर रहा है। इधर 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 अच्छा लो, ये देखो मेरा बीच में हाथ है, वो छोड़ के आपको कटेगा? नहीं, देखो इस तरह से अंदर मुंह डाल के बैठा हुआ है, काफी देर से इंतजार कर रहा है। आराम से, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ। नहीं ना? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं तो आप मत डरो, अभी वो सबको बिछा। किसान है वही मैं बताना चाहता हूँ, अपने हाथ में इतना कर सकते हैं। सांप के ऊपर बाल होते हैं, बदला लेता है, नागमणि होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, दूध पीता है, ये सब पता है जो दुनिया में नहीं है, और हमारा जिंदगी निकल जाता है, हम सांप पूरा देखने के बाद पहचान नहीं पाते। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि लोगों को सांपों को, चार सांपों को नजदीक के पहचान को आना चाहिए, क्योंकि सांप आप तक सभी जो गलत जानकारी वो पहुंच चुकी है लोगों से, मीडिया से, टीवी से, फिल्मों में से, जो गलत है, झूठी जानकारी है, लेकिन आपकी जिंदगी में ये सांप आता है, घर में, बाहर, कहाँ पर काम करते वहां पर आ सकता है, जिंदगी निकालता है, लेकिन सांप पहचान हम नहीं पहचान पाते। तो ये सब बातें बहुत मायने रखती है, और हम, मेरा मानना यह है कि जहरीले सांप है उनको तो पहचानना चाहिए, और ये बड़ी बात नहीं है। 4 साल का बच्चा अगर ABCD अक्षर पाठ कर याद रखता है 4 साल की उम्र में, तो हमारा जिंदगी निकल जाता है, और 4 सांपों का हमें नाम पता नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए, और एकदम नहीं होता है लेकिन पता तो करना चाहिए, डर है तो उसकी जानकारी रखना। इधर आइए, सांप को लीजिएगा। डर है हम बोलते हैं लेकिन सांपों की जानकारी नहीं है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत ही सुंदर सांप, इसके फन के पीछे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, इसके पीछे दिखाइए भैया, नजदीक से देखो, पीछे पीछे बोल रहा हूँ यार, लो नजदीक से, कितना भी उसका, उसका पीछे लो, मेरा नहीं, किसका, उसका, हाँ मेरा नहीं, मेरा की हड़ी निकाला है जो हिरन्ना निकाल रहे हैं, इसके पीछे आप देख सकते हैं गोल गोल बड़े गोले नहीं दिखाई दे रहे। बहुत सारे सर्पमित्र पूछते रहते कि एक ही सांप है स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे द्वि नेत्रांकी कहा जाता है, जो दो नेत्र जैसे दिखाई देते हैं उसको चश्माधारी कहते हैं, इसलिए उसको स्पेक्टिकल कोबरा ऐसा कहा जाता है, और इसमें बहुत सारा फर्क होता है। शांत दिख रहा था, मैंने हाथों से पकड़ा, अभी उसको गुस्सा दिलाया, मतलब उसको कुछ किया तो वो डर गया और थैली को कवर कर रहा है, मुझे कवर नहीं कर रहा है, मैं हिल गया तो मुझे कवर कर रहा है, ये थैली हिल गई तो थैली को कवर करेगा, लेकिन उसके जो पीछे जो यू आकार का जो चिन्ह निशान दिखाई देता है, जिसको हम चश्माधारी नाग स्पेक्टेकल कोबरा बोलते हैं, उसमें कितनी तफावत या अलग अलग प्रकार की विविधता रहते आप देख सकते हैं। ये काफी सांपों में फर्क होता है, नाग घी रंग का, थोड़ा सा सफेद में, पीला सा, ऐसे अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं जो स्पेक्टेकल कोबरा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि सांप नाम का जो प्राणी है, एक ही जाति में अलग अलग रंग भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए कितना खूबसूरत है, और वो पूरा गोल जैसा नहीं दिख रहा है, मतलब ये फर्क होता है, और उनको हिल रहा है तो उनको कवर कर रहा है, और नहीं तो जाने की कोशिश कर रहा था इस तरह से, नहीं तो थैली को किस तरह से उसको नजदीक किया तो डर के ये कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये अभी भागने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा बदलाव रहता है, और ये नेचुरल रहता है, नेचुरली ये जो निशान उसके पीछे है वो पेंट नेचर ने किया है, किसी इंसान ने
नहीं किया हुआ है और वो डर के जाने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही, काफी जानकारी के साथ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन वीडियो लंबे बन जाते हैं। इस तरह से अभी तेजी से वो तो डर गया है, हमने जो उसको ये किया तो फिर भी बाहर जा रहा है। चलो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने लोगों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जानकारी भी पसंद आएगी। काफी कड़वी बातें भी हमें कहीं नहीं पड़ती है लेकिन ये जरूरत है काम की, और सांप देखकर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करना है, उसकी जानकारी पहुंचाकर डर दूर करना है। देखिए यहाँ पर मैं किसान है उनको बता रहा हूँ, पूरी लोग अभी वो कौन आ रहे देखने के लिए तो लोग बोलते हैं देखने को दो, सिर्फ सांप देखने से कुछ नहीं होने वाला है, देखने का नजरिया जो है देखने का देखने के जो नजरिया है वो वैज्ञानिक होना जरूरी है और वही कोशिश है। काफी बातें हैं जो उसका हम समर्थन नहीं करते, सांप काटने की वारदातें भी होती रहती है लेकिन हमारे हाथ में जो है जो हम कर रहे हैं लोग भी करेंगे तो सांप काटने की संख्या जो वारदातें होती है बुरी घटना घटती है वो भी कम की जा सकती है, और सांपों को बचाने के लिए इंसान को भी बचाना जरूरी है ये भी हम जानते हैं। काफी जानकारी हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे लेकिन यहाँ पर रुकते हैं, सांपों को बचाने का सफर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन बटन है वो भी दबाएं।